अगर भारत 370 पर पाकिस्तान को परेशानी नहीं होती तो पाकिस्तान का मंत्री केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली चुनाव में समर्थन नहीं मांगता। आप देख रहे होंगे जब उन्हें भारत से समर्थन नहीं मिल रहा है, दिल्लीवासी समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो केजरीवाल को समर्थन कौन दे रहा है? पाकिस्तान का मंत्री। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश होंगे कि पाकिस्तान जिन कारणों से खुश होगा क्या वह भारत के हित में होगा? तो फिर केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान क्यों खुश हो रहा है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है ना? आप केजरीवाल और उसकी पूरी गैंग के इस कृत्य के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं? और भाइयों बहनों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। यानी इन्हें सड़क नहीं चाहिए, इन्हें मेट्रो नहीं चाहिए, इन्हें रैपिड रेल नहीं चाहिए, इन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का कोई केंद्र नहीं चाहिए, इन्हें शुद्ध पेयजल के लिए पानी नहीं चाहिए, और इन्हें केवल शाहीन बाग चाहिए। इनकी मानसिकता आप देख सकते हैं। दिल्ली की जनता को अच्छी सड़क, अच्छा पानी, अच्छा पर्यावरण, अच्छी मेट्रो रैपिड रेल की सुविधा चाहिए या शाहीन बाग चाहिए, यह आपको तय करना है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। केजरीवाल तो सारा पैसा दूसरे से खर्च करेगा, उनका धरना, उनका प्रदर्शन, ये जगह जगह धरने देंगे तो इनके लिए भोजन भी खिलाने की व्यवस्था होगी, बिरयानी खिलाने की व्यवस्था होगी, सारा पैसा ये कहां जाएगा? विकास होगा कहां से? विकास होगा कहां से? और ये नागरिकता कानून के नाम पर गुमराह करके जिस तरीके से इन्होंने धरना प्रदर्शन को बढ़ावा दे करके आम जनजीवन को एक प्रकार से ठप करने का कुत्सित प्रयास किया है, इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए की जाए, अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन भारत के खिलाफ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग में बाधक है, भारत की छवि को धूमिल करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। ये जानते हुए भी कि नागरिकता कानून कहीं भी किसी भारत के नागरिक का अहित नहीं करता है, ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को जो 5 वर्ष पहले आए थे, धार्मिक अल्पसंख्यक इन क्षेत्रों में थे, उन्हें नागरिकता प्रदान करने की गारंटी देता है। नागरिकता देने पर इन लोगों को बुरा लगता है, हम कह रहे हैं हम नागरिकता दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नागरिकता छीन रहे हैं। आप देख रहे हो ना कितना झूठ बोलते हैं।